हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट है EVS। तो हमने अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले बताओ कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। यस, उसका नाम है ऑल टुगेदर, यानी कि सब साथ में। तो ऑल टुगेदर में हमने किसके बारे में चर्चा की थी, वो बॉयज था, उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स। यस, उसका नाम था आर्यन। वो कहाँ पे पहुंचा था, कौन सी सिटी में, अहमदाबाद में वो पहुंच गया था। फिर उसके आगे हमने चर्चा की थी कि वो पिक्चर्स था, चारपाई थी, वो खाने की प्लेट थी, फिर कपड़े थे, उन सब के बारे में मैंने चर्चा की। तो आज हम आगे के वीडियो में नंबर 15 से देखेंगे। यहाँ पे स्टोरी दी गई है, स्टोरी के नीचे यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स हाउस का है। हाउस में एक लड़की खड़ी है, वो लड़की हाउस की विंडो में से बाहर सड़क पे वन लड़की को स्कूल जाते हुए देख रही है, और ये लड़की का नाम है रूपल। तो आज हमें रूपल के बारे में पढ़ना है। अ यंग गर्ल रूपल एलोंग विथ ऑल द अदर चिल्ड्रन इन विलेज वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। सी आस्क हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल, बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। यानी कि ये छोटी रूपल, इसका नाम है रूपल, ये छोटी रूपल गांव के सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाते देख रही थी। सी आस्क हर फादर, उसने अपने पापा से कहा, क्या कहा कि स्कूल में जाने के लिए वो अपने पापा को कह रही थी। बट रूपल्स कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी, पर उसके पापा ने उसे क्या किया कि वो स्कूल स्टडी करने के लिए नहीं जा सकती है, ऐसा उसके पापा ने उसको कहा। उसके नीचे दिया है थिंक एंड से। थिंक एंड से में फर्स्ट नंबर में लिखा है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल में कैसे जाते हो। फिर सेकेंड नंबर में हु एमोंग यू डज नॉट गो टू स्कूल, वाई, यानी कि आपके साथ में दूसरा कौन स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों, ऐसा यहाँ पे थिंग्स यानी कि मन में सवाल उठ रहे हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे रूपल का पिक्चर्स दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा है कि रूपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल, बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। रूपल को हुआ कि मुझे भी स्कूल जाना है, पर वो नहीं जा सकती है क्योंकि वो दूसरे बच्चों से क्या है, रूपल दूसरे बच्चों से अलग है। शी वॉज डिफरेंट, वो दूसरे बच्चों से क्या है, अलग है। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक हर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर, वो दूसरे बच्चों की तरह वो खेल भी नहीं सकती थी। शी वॉज विलिंग गो टू स्कूल एंड वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडिंग, बट वॉट कैन बी डन, यानी कि वो क्या थी, उसको स्कूल जाने का मन होता था, स्टडी करने का मन भी होता था, पर वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे क्या था, वो हमें पिक्चर्स में दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे थिंक एंड से क्या है कि थिंक यानी कि विचार करना है और हमें कहना है कि उसे क्या हुआ होगा। वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में खेलना होता है, पढ़ना होता है, सभी स्टूडेंट के साथ हमें अच्छे से घुल मिल के पढ़ना है, इसलिए स्कूल जाना अच्छा लगता है। व्हाट डू यू लाइक इन द स्कूल, आपको स्कूल में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक होती है यानी कि अच्छी लगती है। वैसे यहाँ पे नीचे थर्ड नंबर पे है व्हाट डू यू डू इफ यू कैन नॉट कम टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते हो तो क्या करोगे,
ऐसा थिंक एंड से यानी कि विचार होता है। अभी आप ही दिखाई देता है पिक्चर्स में कि रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग सिंस चाइल्डहुड, यानी कि ये पिक्चर्स में दिखाई देता है कि रूपल को क्या है, वो पोलियो है, यानी कि रूपल चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही उसको पोलियो है। पोलियो हो तो क्या होता है कि वो हम चल नहीं सकते हैं। यहाँ पे शी कुड नॉट वॉक देंस यानी कि ये चल नहीं सकती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकती थी। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर यानी कि कोई संस्था ने उसे क्या डोनेट किया, व्हील चेयर। यहाँ पे व्हील चेयर दिखाई देती है, वो लड़की यहाँ पे बैठ गई है और ये लड़का उसे स्कूल जाने के लिए हेल्प कर रहा है। कोई सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर, कोई संस्था ने उसे ये व्हील चेयर डोनेट यानी कि उसे दी है। शी कम टू स्कूल विथ द हेल्प ऑफ अ नेबरिंग बॉय यानी कि उसके पीछे ये लड़का है, उसके बाजू में रहता है नेबरिंग यानी कि हमारा पड़ोसी। तो जो पड़ोसी बॉय है, लड़का है, वो उसको स्कूल जाने के लिए हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे हैं थिंक एंड से। थिंक एंड से में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कि डू यू हेल्प एनीबडी हाउ, यानी कि आप किसी को हेल्प करते हो कैसे। जैसे कि वो लड़के ने रूपल को हेल्प की, वैसे आप किसी को हेल्प करते हो और क्यों करते हो। सेकेंड नंबर में डज एनीवन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प, आपकी हेल्प से कौन स्कूल में आता है। आपके आसपास भी कोई ऐसा लड़का हो, लड़की हो, तो हमें उसको स्कूल जाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे दिया है हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, आप किसको हेल्प करते हो तो वह स्कूल में आ सकता है। जैसे कि वो लड़के ने वो लड़की रूपल की हेल्प की, तो रूपल उस लड़के की वजह से स्कूल जाने लगी। वैसे ही यहाँ पे हैं लास्ट में हाउ डू यू हेल्प दोस चिल्ड्रंस हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल, यानी कि डर की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनकी हेल्प आप करते हो, ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया हुआ है, वो पिक्चर्स में वो लड़का उस लड़की को स्कूल में लेके आया, यहाँ पे उसके पेरेंट्स है, फिर यहाँ पे टीचर्स है, तो उन लोगों ने ये लड़की को क्या किया, देखो एवरीबडी वेलकम्ड हर। वो उस लड़की पोलियो की वजह से स्कूल नहीं जा सकती थी, पर अब वो व्हीलचेयर में बैठ के स्कूल जाने लगी है, तो यहाँ पे जो टीचर्स है उसका वेलकम कर रहे। फिर रूपल इज़ हैप्पी टुडे, रूपल भी क्या है, टुडे हैप्पी है, वो भी खुश है क्योंकि उसको स्कूल जाना अच्छा लगता था और वो व्हीलचेयर की मदद से स्कूल जाने लगी। हर पेरेंट्स आर हैप्पी, उसके पेरेंट्स भी क्या थे, हैप्पी थे, खुश थे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, टीचर एंड स्टूडेंट्स भी हैप्पी थे क्योंकि वो लड़की स्कूल में आने लगी। फिर नीचे दिया हुआ है कि थिंक एंड से, सोचना है और कहना है। बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, रूपल किसकी हेल्प यानी कि किसकी मदद से स्कूल जाने लगी। व्हाट डिड रूपल सी व्हाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल में रूपल ने क्या क्या देखा। नेक्स्ट पेज पे दिखाई देता है रूपल जब स्कूल आती है, तो रूपल ने स्कूल में क्लास देखा, स्कूल का ग्राउंड देखा, वो सब उसने देखा। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि उसने जो देखा है वो रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल द चिल्ड्रन, रूपल सबके साथ पढ़ती है।
टेल स्टोरीज यानी कि स्टोरी कहती है, सिंग सॉन्ग गाना गाती है, आंसर द क्वेश्चंस क्वेश्चंस के आंसर भी देती है इन द क्लासरूम। वो क्लासरूम में जो टीचर्स उसको पूछ रहे होते उसके आंसर भी वो देती है। एवरीबडी हेल्प्स रूपल, रूपल को सभी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फिर उसके नीचे दिया हुआ थिंक एंड से, सोचना है और हमें कहना है। हु ऑल माइट हैव यू हेल्प्ड रूपल, रूपल क्या है यहाँ पे, रूपल को कौन हेल्प करता है। रूपल को सभी बच्चे भी हेल्प करते थे, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, घर पे उसके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं। सेकेंड नंबर में, इन विच वर्क्स ऑफ दिस स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, रूपल को स्कूल में कौन से काम में हेल्प की मदद हेल्प चाहिए, रूपल को स्कूल में कौन सी हेल्प चाहिए, कौन से काम के लिए हेल्प चाहिए। थर्ड नंबर में, वुम डू यू कम टू स्कूल विथ, आप किसके साथ स्कूल आते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो, कोई अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स उसको छोड़ने के लिए स्कूल में आते होंगे। फिर उसके नीचे दी हुई है एक स्टोरी, स्टोरी यहाँ पे स्टोरी दी है। तो इस स्टोरी में क्या है, पिक्चर्स में कुम्हार दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी को खोद रहा है। फिर उसके साथ में ये डोंकी है, वो मिट्टी को डोंकी पर रख के घर पे ले जाता है। फिर उससे क्या करता है, मटके बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मटकों को गाड़ी में भर के बेचने के लिए जा रहा है, वो हमें पिक्चर्स में दिखाई देता है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपके साथ आपको चर्चा करके ये स्टोरी बताऊंगी। थैंक यू।